एक्वेरियम देख चुका हूं मैं, महंगा है पर बड़ा अच्छा है। ठीक है, अब ये देखो ये कितना अच्छा साइट है, ये सारा ये एक तरीके से समझो फन सिटी है। दिस इज द फन सिटी। लाइट शो है, कुछ फाउंटेन है, बहुत ही मस्त है। तो वहाँ मैं जाने वाला हूँ, तो वहाँ थोड़ा बहुत मैं चाहता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ी बैटरी बचा कर रखूँगा। ये देखो, ये जो सामने है ये भी कोई लाइट शो है, बट आई आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस लाइट शो। और ये देखो, झूल मतलब इधर बहुत कुछ है। इसके लिए मैं केवल 1 किलोमीटर अंदर आया तो उन्होंने मेरे से $8 लिए। और मैं एक बार दोबारा तुम्हें दिखा देता हूँ ये थोड़ा नज़ारा, पहले भी दिखाया था मैंने। ये देखो सफाई कितनी है, कितने अच्छा लग रहा है। और ये देखो पानी, बिल्डिंग्स, शिप्स चल रही हैं। ये क्या है, ये डॉल्फिन आइलैंड है। बस अब सब आप कोई भी एंजॉय कर सकता है। सीन देखो कितना अच्छा है यहाँ। इसके बाद मेरे को मतलब 2-3 चीज़ें और करूँगा मैं, जैसे अभी मेरे 450 रुपये एक सी एक्वेरियम के लिए लगे, इस तरह से और भी मुझे कुछ रुपए खर्च करने हैं, 5-6 हज़ार रुपये और आज, फिर कल पूरे दिन। आज मैं रात को भी नाइट सफारी जाऊँगा मैं, शाम को दो एक एक, एक लाइट शो या फाउंटेन है एक मेरीना बे, वहाँ मैं जाऊँगा। तो मैं ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रहूँगा। तो कितना अच्छा लग रहा ना नज़ारा ये। तो इसके लिए $8 में मैं अंदर आया, इसका टिकट, इसे अंदर कहीं भी जा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ सिटी है। उसके हम थर्ड फ्लोर नहीं, सबसे टॉप पे जाएंगे, सेंटोसा है उसका, कहते हैं द फन सिटी, फन सिटी बोलते हैं। तो इसमें बस एक चीज़ अभी तो मैं देख चुका हूँ, और बाकी ये तो फ्री का है जो मैं आपको देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये सी एक्वेरियम तो चार्जेबल था जो मैं देख के आया हूँ, लाइट मज़ेदार बचा कर रखूँगा इसे। और देखो अब क्लीन आएगी मेरी इनका पूरा। मैं एक भी यदि आप मेरे से पूछो कि कुछ ऐसा बताओ जो थर्ड क्लास यहाँ लगा, तो मैं बस यही बोल सकता हूँ कि कुछ नहीं लगा, कुछ भी नहीं है कहीं। अच्छा यहाँ देखो, ये देखो, ये देखो कितना क्लीन है, कहीं चले जाओ। ये देखो, ये आप डस्टबिन आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ का, आपको ताज्जुब होगा कि डस्टबिन भी इतना साफ है ना कि आप उस पर खाना रख के खा सकते हो। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो। देख रहे हो कितना साफ है, तो ही बता रहा हूँ सफाई कितनी है। कहीं भी देखो किसी के हाथ में नॉर्मली मुझे नहीं लगता कुछ कोई खा रहा है, और कहीं नहीं मिलेगा कोई भी, क्योंकि फाइन होता है, आप हर जगह नहीं खा सकते, खाने के प्लेस भी खा सकते हो। और देखो सफाई कितनी है। चलता हूँ फिर मैं, अब हम और क्या दिखाऊँ, बहुत सारे चीज़ें सही है, घूमते रहो। पर ये फ्री वाले चार्जेबल तो बस आप बिल्डिंगों के अंदर है, भले ये इस सिटी में आकर के, जैसे ये बिल्डिंग के अंदर, इसके अंदर, हर बिल्डिंग के अंदर कुछ ना कुछ है जो फैंटास्टिक है। तो पिक्स हैं इनकी, देख सकते हो। यस यस यस, यू कैन गो स्ट्रेट। यस 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 यस, सॉरी, यस यस, गो स्ट्रेट, ओके, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। हाँ, पर ये आप सिंगापुर आते हो तो आपको इंग्लिश नहीं आती, तो
बहुत मुश्किल हो। ये तो सेंटोसा, दिस इज द बिग थिंग ऑफ सिंगापुर, सेंटोसा। तो कैसी के अंदर है हम लोग, शुक्र है मुझे दिख गया ये, ताकि मैं मुझे दिख गया मतलब मैं आपको भी दिखा सकता हूँ। देखो ये देखो सब कुछ है, आपने सोशल मीडिया पे सिंगापुर के बारे में देखोगे तो वहाँ पे सेंटोसा सुनोगे, यूनिवर्सल सी एक्वेरियम, ये आई थिंक इवनिंग में लाइट शो कोई होगा, पर इसका नाम नहीं पता मुझे। दो पता है जो मुझे जाना है और मुझे नहीं पता वो ये है वो है कौन सा है। हाँ सी एक्वेरियम था वो, तो हो गया मेरा क्लियर। ये सेंटोसा दिखा के मैं यहाँ से कहीं और जाऊँगा। दिस इज द मेन थिंग सेंटोसा, सेंटोसा। I'm in the Sentosa. You can see this. तुम यहाँ पे आना तो सी एक्वेरियम जरूर देखना। मुझे नहीं पता स्टार्टिंग में मैं अंदर गया तो मुझे लगा कि लो यार मैं फंस गया, मेरे पैसे गए। पर जब मैं 200 मीटर अंदर गया, 100 मीटर अंदर, उसके बाद मज़ा आ गया। ये देखो ग्रीनरी,